जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो रिकमेंड आया है वो आईटीआई से आया है, और ये आईटीआई का जो पोस्ट है वो कानपुर में आपको जॉब मिलेगा, और सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, 15,000 से 25,000 पर मंथ। और पूरा डिटेल्स आप इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो शुरू करते आज के वीडियो। देखिए आईआईटी से जो रिक्रूटमेंट आया है वो कानपुर में आपको जॉब मिलेगा, और ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। कितना वैकेंसी से वो डिस्कस किया गया नहीं है, आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो जॉब है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होगा। और यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस जो है फ्रेशर्स आपको अप्लाई करना, फ्रेशर्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा आपका, इंटरव्यू होगा, और एप्लीकेशन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, और सैलरी मैं पहले बता चुका हूँ। और क्वालिफिकेशन देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिक्स में, बोटानिकल में, और लाइफ साइंस में, मैनेजमेंट में, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के में, और कंप्यूटर सॉरी कॉमर्स बैकग्राउंड में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लास्ट डेट जो रहेगा, सॉरी लास्ट डेट यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आपका लास्ट डेट रहेगा 1 फरवरी, उससे पहले आपका अप्लाई करना है। यहाँ पे डेट जो है वो गलत दिया है, तो मैं बता रहा हूँ आपको 1 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो इस नया विंडो पे हो जाएगा। इस नया विंडो में जाकर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए अप्लाई का लिंक दिया हुआ है। इसमें जब क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, तो इस विंडो में जाकर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स आपको भरना है, इस डिटेल्स को आपको भरने के बाद ही आप सबमिट हो पाएंगे, ठीक है। तो आई होप जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, और मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो शुरू मिलते हैं अगले जॉब में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, धन्यवाद।